नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में क्या शामिल होगी शिरोमणि अकाली दल? दलजीत सिंह चीमा ने कह दी बड़ी बात। वो अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए, सरदान का कितना सम्मान उन्होंने किया था और उनके टाइम पे जो है राष्ट्रपति का कितना सम्मान होता था। और ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, तो मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन पंजाब भवन चंडीगढ़ में राष्ट्रपति जी आए थे तो आपके मुख्यमंत्री कहां थे? हमारे गवर्नर साहब को खड़े होकर कहना पड़ा कि ये गलत है कि चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था, ये रिस्पेक्ट का सवाल होता है। ये देश के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि देश को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो मिलने जा रही। तो श्रोमणी अकाली दल का तो ये फैसला है कि श्रोमणि अकाली दल उस सेरेमनी में जाएगा। हमारे अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, हमारे जो नेता हैं वो उसमें हाजिर होंगे, क्योंकि जो इश्यू बनाए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब देश की सरकार ही तय करती है कि किसने इनॉग्रेट करना। जो लोग आज ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो उनको अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए, संविधान का कितना सम्मान उन्होंने किया था और उनके टाइम पे जो है राष्ट्रपति का कितना सम्मान होता था। और ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, तो मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन पंजाब भवन चंडीगढ़ में राष्ट्रपति जी आए थे तो आपके मुख्यमंत्री कहां थे? हमारे गवर्नर साहब को खड़े होकर कहना पड़ा कि ये गलत है कि चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था, ये रिस्पेक्ट का सवाल होता है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर गैर हाजिर थे। तो जब आप स्टेट में आते हैं राष्ट्रपति, तो तब तो अपना चीफ मिनिस्टर जो है आपका वो उसमें हाजिर नहीं होता, तो तब रिस्पेक्ट कहां जाती है राष्ट्रपति की? जब आप गवर्नर को गालियां देते हैं, उनके अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन होते हो पूछने वाले, तो गवर्नर साहब भी राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं। इसलिए ये ठीक है, इलेक्शन का साल है, वो अपने अपने आप इशू पार्टियां बढ़ा रही हैं, लेकिन ये देश का एक बड़ा काम हुआ है, देश को अपनी पार्लियामेंट जो है पहली बार अपनी आप बनाई है, तो उसमें खुशी से सबको शामिल होना चाहिए, इसमें तो कोई इशू बनाने की बात नहीं है। क्या कारण लगता है कि ये इशू बनाया जा रहा है? नहीं, पहले तो पार्लियामेंट अब नजदीक आ गई है, तो वो अपनी अपनी पोजीशंस लेने की पार्टियां कोशिश कर रही हैं। तो दूसरा, काफी लोग अब जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है उससे भी कुछ लोग परेशान हैं, तो वो अपना एजेंडा लेके काम कर रहे हैं। जब कोई सेंटर के खिलाफ इशू होता है हम बोलते हैं, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। यहाँ ये एक कॉमन देश का इवेंट है, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। जब कोई इशू होगा हम पहले भी बोलते हैं,